कहाँ से हैं आप? हम वैशाली जिले से हैं जी। कहाँ गए सर? हम NIS का अभ्यर्थी है, टीआरई 2 में एग्जाम दिए हैं, मेरिट में भी आ चुके हैं, लेकिन हम लोग का रिजल्ट रोक दिया गया है। बोला गया कि आप लोग का 18 माह का डिग्री है, इसलिए आप लोग का रिजल्ट नहीं दिया जाएगा। और नहीं सर, ये एक सवाल तो उठता है, सही में स्वाभाविक है, जब आपको डिग्री दिया गया होता तो वैध डिग्री माना गया होगा, इस डिग्री से आपको नौकरी मिलेगी और इस डिग्री को मतलब उसे संस्थान को हम लोग कराया गया। 7 साल तक हम लोग का डिग्री वैलिड था, 7 साल के बाद हम लोग को पता चला कि आप डिग्री वैलिड है। हम लोग 7 साल के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे? 7 साल का बहुत आदमी एक्सपायर तो कर ही रहा है लोग, मतलब बीपीएससी जब यहाँ इतना लाखों में वैकेंसी निकल रहा है बिहार सरकार में, हम लोग कटअप से लगभग 4-4, 5-5 नंबर ज्यादा लेकर आए हुए हैं, कटअप OMR डाउनलोड किया है, वहाँ से मिलान कर चुके हैं। 2 वर्ष से डिप्लोमा NIS से करवाया था, तो हम लोग इसी आधार पर अभी बीपीएससी का एग्जाम भी हमने दिया, लेकिन अब उसमें क्या त्रुटि हो गई, क्या कमी हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको अभी अमान्य कर दिया है, उसको इनवैलिड कर दिया है। तो हम लोग इसलिए जमा हुए हैं कि सरकार हम तमाम अभ्यर्थियों के दर्द को समझे और हमारी डिग्री को वैलिड करें और हमें TRE 1-2 में नौकरी देने का कष्ट करें, और नहीं तो फिर इलेक्शन आने वाला है 2024 में। अगर इस पर गवर्नमेंट हम पे ध्यान नहीं देगी, हम अभ्यर्थियों का दर्द नहीं अगर समझेगी, तो फिर हम सरकार को 2024 के इलेक्शन में सबक सिखाने का काम करेंगे। और मैं खासतौर से अपने देश के जो सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि ये जो डीएलएड करवाया गया था उन्हीं का फोटो लगवा कर करवाया गया था, उनका फोटो लगवा करके, इसके अध्यक्ष हैं CB शर्मा जी ने, उन्होंने वो मैसेज आकर के हम लोग से उन्होंने किया, रिकॉर्ड किया। हम लोग इसमें फॉर्म नहीं भर रहे थे, हम ये डिप्लोमा नहीं कर रहे थे हम तमाम लोग, लेकिन CB शर्मा जी आए और उनका फोटो दिखा करके कहा कि ये डिग्री जो है पूरे भारत में MHRD की तरफ से अप्रूव है, पूरे भारत में ये वैलिड है, आप कहीं भी जाकर के इस डिग्री को दिखा करके आप नौकरी कर सकते हैं। तो हमने अपने प्रधानमंत्री की फोटो का लाज रखा, लेकिन उसमें फिर क्या कमी हो गई, मुझे अफसोस होता है। हम दो वजह से रो रहे हैं, एक तो हमारा डिग्री अमान्य हो गया इस वजह से हमें दर्द है, तकलीफ है, दूसरा ये कि हमारे इतने अच्छे प्रधानमंत्री जी का फोटो और तस्वीर लगा करके उसका प्रचार किया गया, गोया कि हमारे प्रधानमंत्री की भी इस क्या का डिसीजन से उनको उनका जो है छवि उसकी उनकी खराब हो रही है। और क्या कहते हैं कि ये हम सबके लिए बहुत ही अफसोस का बाइस है। हम चाहते हैं कि चंद क्या कहते हैं कि पंक्तियों के साथ हम अपने दर्द को, तमाम NIS छात्र के दर्द को सुनाएं और इस आवाज को हम अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री तक पहुंचाना चाहते हैं कि प्लीज हमारी इस आवाज को, हमारे इस दर्द को सुनिए और हम तमाम को न्याय दिलवाइए। हम तमाम गरीब बच्चे हैं, गरीब छात्र हैं, किसान के बच्चे हैं, मजदूरों के बच्चे हैं, हम परेशानी में आकर के इस क्या कहते हैं इस डीएलएड को हमने किया था, लेकिन आज हम बहुत दर्द में रो रहे हैं। तो हम चंद पंक्तियां कहना चाह रहे हैं अपने प्रधानमंत्री जी से कि हमारी इन पंक्तियों को अगर वहां तक पहुंच जाए तो प्लीज प्लीज हमारे इस दर्द को सुनिए और हमारे इस काम को करिए। पंक्तियां ये हैं कि दिल जल रहा है मेरा, आंखें मेरी नम है, दिल जल रहा है मेरा, आंखें मेरी नम है, सीने में मेरे इस समय बस गम ही गम है। ये कैसा दर्द दे दिया हम NIS को है मोदी जी चचा, ये कैसा दर्द दे दिया हम NIS को है मोदी चचा, कि सारा संसार इस समय हम NIS से बरहम है। जो कई बरस से आंखों में, जो कई बरस से आंखों में सपने सजाए बैठे थे, वो सारे सपने टूट गए, सड़क छाप हो गए हम है। दौड़े भागे क्लास किया, 2 साल में परीक्षा पास किया, अब कहते हो 18 माह कि तुम 6 महीना कम है। इस कार में हम NIS की क्या खता थी है चचा, इस कार में हम NIS की क्या खता थी है चचा, खुद आपके अध्यक्ष जी ने कहा था कि पूरे भारत में वैलिड हम है। विश्वास आपके फोटो पे जो कर लिया था हम बच्चों ने, क्या चित्र आपका भारत में इतना बेअसर बेदम है। अफसोस प्रधानमंत्री जी, देशवासी ही आज ठगे गए। अफसोस प्रधानमंत्री जी, देशवासी आज ठगे गए। बीपीएससी का कट ऑफ पार करके भी बाहर हो गए हम हैं, बीपीएससी का कट ऑफ पार करके भी बाहर हो गए हम हैं। तो प्लीज हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी हमारे इस दर्द को सुनिए और हमारे